भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। गौतम सिंह बने धनबाद भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री। आज दिनांक 23/12/2022 को लेडी डूमर शिव पार्वती मंदिर के बगल वाली गार्डन में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा के बैठक में मुख्य रूप से मौजूद विधायक प्रतिनिधि शत्रुधर महतो ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ढोंग बंद कर के हेमंत सरकार किसानों के हित की योजनाएं शुरू करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व भाजपा की सरकार में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, जिसको हेमंत सरकार ने बंद कर हेमंत सरकार ने अपने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य में क्यों बंद किया गया? इसके माध्यम से पिछली सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 से अधिकतम 25,000 रुपए तक मदद कर रही थी, लेकिन इस सरकार से सबसे पहले किसानों की इस योजना को बंद किया गया। सरकार अगर किसानों के हित में काम करना चाहती है तो वो इस योजना की शुरुआत करने का हिम्मत दिखाए, ढोंग करके किसानों को बरगलाने का काम ना करे। सरकार बताए कि राज्य में यूरिया के कालाबाजारी का जिम्मेदार कौन है? किसान औने पौने दाम में धान बेचने के लिए मजबूर है। कार्यक्रम के दौरान धनबाद जिला महानगर के जिला मंत्री भाजपा किसान मोर्चा के रूप में गौतम सिंह को मनोनीत कर नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन मनोज गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, श्रवण राय जी, प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह जी, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी विक्रांत उपाध्याय, प्रमंडलीय प्रभारी मदन तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला पदाधिकारी, बागमारा मंडल अध्यक्ष बच्चू राय और महामंत्री श्री, जिला मीडिया सोशल मीडिया आईटी मीडिया सदस्य उप मुखिया सरन सिंह, अनुज सिंह, मिथुन सिंह, गोपाल, रीना देवी, चंपा देवी सहित दर्जनों महिला एवं अन्य स्थानीय मौजूद थी। आज नव निर्वाचित जो मंत्री रूप में मनोनीत किए गए हैं, आज इस जिला कमेटी द्वारा गोतम सिंह जी, और मुख्य रूप से आज इस जगह पर जो हमारा कार्यक्रम आयोजित की गई है, अनुज सिंह जी उपस्थित, माता बहनें, प्रेस के बंधुओं, सभी को मैं आज किसान दिवस से उपलब्ध पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से हरि भाई धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ने के लिए खेती कैसी अच्छा ढंग से हो, उसके लिए तरह तरह का योजना सरकार लाती है। हम लोग एक किसान का बेटा, हम लोग किसान जानते हैं, किसान जो आज हम लोग किसानी करने के बाद जो खेती उपजते हैं, जो भी दाना, जो बीज उपजते हैं, जो भी तैयार होता है, आज पूरा देश उसी पर खेती हुई है। इसलिए खेती पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, हम लोग को खेती ज़्यादा करना होगा, तभी हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा लोग आगे बढ़ सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और रोजगार साधन से मिल सकता है। इसलिए आज आप लोगों को संदेश देने के लिए हमारे सारे मंचासी हमारे आए हुए हैं, सारे लोग सब आप लोगों को आगाह किए होंगे, किसान को बढ़ावा देना है, किसान खेती को आगे बढ़ावा देना है, सारे बिंदु पर लोगों को चर्चा किए होंगे। और मैं आपका विश्वास है कि आप लोग वास्तव को सुनकर आप लोग खेती को बढ़ावा देंगे, खेती को आगे बढ़ाएंगे और खेती करके यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने जोड़ने काम करेंगे। इसलिए हम तमाम हमारे उपस्थित जो भी हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं सभी को मैं पूरा समर्थन देना चाहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम व्यस्तन का भी हम पूरा साथ निकलना है। इसलिए हम तमाम लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देने के साथ बना करता हूँ।